सांसद रोडमल नागर ने अपने संसदीय क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्तमान में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा महिला स्वयंसेवी समूह सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, जिनसे 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और इनका टर्नओवर करोड़ों में है। सिलाई मशीन भी चलाते हैं, मतलब चुनरी सिलाई का भी काम चल रहा है और अगरबत्ती निर्माण का भी चल रहा है और दोना पत्तल का भी चल रहा है। इससे महिलाओं को कम से कम 300 से 400 तक की मजदूरी रोज की मिल जाती है। कोई दूध निर्माण भी कर रही है, कोई मतलब धान खरीद के और उसको मसाला बना रही है, कोई पापड़ का काम कर रही है, कोई फिनाइल का काम, जिससे साबुन बन रही है सर वो साबुन भी कोई महिलाएं बना रही है। पर ये सब अपने अपने गांव में भी होता है और यहाँ भी होता है। जो दूर की महिलाएं 20 गांव से 28 गांव जुड़े हुए सर यहाँ पे इस भवन में, तो वो दूर की जो नहीं आ पाती है रोज़, तो वो अपने अपने घर पर भी कर सकती। पहले महिलाओं को कोई मतलब सामने ही नहीं लाते थे, पूछते ही नहीं थे महिलाओं को। अब महिला आगे बढ़ रही है और काम भी अपना स्वयं का रोजगार कर रही है। सांसद महोदय के मुताबिक इन्होंने वोकल फॉर लोकल को जमीनी स्तर पर उतारते हुए स्वयंसेवी समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग अपना बाजार के तहत की। इन्होंने एक जैसा कच्चा मटेरियल महिला समूहों को उपलब्ध करवाया और क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए व्यापारिक लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया। इनकी किराने की जो दुकानें हैं गाँव में, छोटी छोटी दुकानें, तो उसका नाम रखवाया हमने अपना सामान, अपना पापड़, अपनी बड़ी, अपना सर्फ, अपना अगरबत्ती, अपना फिनाइल, बाजार अपना बाजार, दुकान अपनी दुकान। अब अपनी दुकान पे अपना सामान, अब कोई एक अपनी बड़ी बना रहा है तो कोई अपना बड़ा पापड़ बना रहा है, तो कोई अपनी अगरबत्ती बना रहा है, तो कोई अपना बिस्किट बना रहा है, तो कोई अपना ब्रेड बना रहा है, तो कोई अपना सेव बना रहा है, तो अपना कोई सर्फ बना रहा है, तो अपना कोई साबुन बना रहा है। उन सबको लगता है कि अपना है और वो एक जगह हमने इकट्ठा किया।